ज्वालामुखी के भड़ोली कुठियारा में बाहरी राज्यों से आ रहे 5 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इसमें 3 लोग स्थानीय हैं जो खुंडियों से संबंध रखते हैं, जबकि 2 अन्य लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर इन सभी लोगों को 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की संभावना अगर इनमें से किसी में है तो इसका भी पता लगाया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि इन लोगों को प्रशासन की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यही नहीं, किसी भी तरह की असुविधा पर ये लोग सीधे एसडीएम ज्वालामुखी से भी संपर्क कर सकते हैं। एसडीएम ने कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि ज्वालामुखी मस्जिदों से लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मात्र अफवाह है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अंकुश शर्मा ने कहा कि जो ये अफवाहें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस व प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रहा है। हमने भड़ोली कुटियारा स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर का बनाया हुआ है और वहाँ पे हमारे पास 5 लोग हैं। 2 हमारे तीन लोग हमारे लोकल हैं खुंडिया के, और 2 जम्मू कश्मीर के हैं। तो उनको हमने सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मुहैया करवाई हुई हैं। उनको अच्छा खाना मिल रहा है और उनकी सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हम वहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। सर, इनफैक्ट के लिए क्वारंटाइन रहेंगे वहाँ पे? जी, 14 दिन के लिए। तो इनफैक्ट मैं भी कोशिश करता हूँ, डेली एक चक्कर उनके पास लगा के आता हूँ। तो पर्पज़ उनको यहाँ रखने का यही है कि अगर मान लो कोई ऐसे संक्रमण की कोई ऐसी संभावना हो तो वो यहीं पर पता चल जाए। अदरवाइज कोई उनको मतलब कोई ऐसा नहीं, सोसाइटी में ऐसा मैसेज आना चाहिए क्वारंटाइन क्यों करा जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे मैं उनके घर वालों को ही बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कंफर्टेबल, और हमने उनको ये भी कहा है कि रोज़ अपने घर वालों से भी बात कर लें, और किसी भी तरह की कोई सुविधा की उनको कोई दिक्कत लगे तो वो सीधा मैंने उनको अपना नंबर दे रखा है, तहसीलदार साहब का मोबाइल नंबर उनके पास है, वो हमारे से बेहिचक कभी भी अप्रोच करें। सर, निजामुद्दीन से रिलेटेड कोई सस्पेक्टेड तो नहीं आया? नहीं जी, ऐसा कुछ रूमर थी पिछले कल, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैदी से सारा कार्रवाई करते हुए उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया और कोई भी केस हमारे पास ऐसा नहीं। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो नहीं, वो सारी अफवाहें थी, है ना। पिछले कल मतलब आज इनफैक्ट मेरी आज सवेरे डीएसपी साहब से बात हुई इसके बारे में डिटेल में, कल भी हमने बात करी थी, तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी तसल्ली कर ली है हमारे एरिए में कोई भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कुछ एक मस्जिद है यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी पहले, मुझे लगता है हफ्ता पहले ही बंद करवा दी थी, और जब इन्होंने ये परसों ये कार्रवाई करी है तो उन्होंने दोबारा उनको ताला खुलवा के अंदर दोबारा चेक कर रही है और उसके बाद उनको दोबारा बंद करवा दिया है। जैसे हम पठियार है, फिर हमारे द्रंग में है, भाटी भवन में है, फिर ऊपर हमारे बग्घी पंचायत है, उसके आसपास कुछ ऐसी हेमलेट्स हैं, कुछ मस्जिद थी, तो उनको बंद करवा दिया गया है। और अब रिसेंटली सरकार ने एक बड़ा अच्छा अभियान चलाया हुआ है कि डोर टू डोर जाके ये एसर्टन किया जा रहा है कि किसी को कोई संक्रमण तो नहीं है कोरोना का। तो उसके लिए ACF टीम्स बनी हुई है। ACF का मतलब एक्चुअल केस फाइंडिंग। तो इसमें 2 मेंबर हैं, एक वैसे तो प्रेफरेबली दोनों हेल्थ के हैं, एक आशा वर्कर है और एक कोई सीनियर हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिशियल है। लेकिन जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हमें नहीं मिले हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। वो हर घर में जाके जो भी जो घर के जो लोग हैं उनकी सारी हिस्ट्री लेंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।